हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ टुडे आई एम हेयर अगेन फॉर अवर न्यू चैप्टर इन इंग्लिश पार्ट रिक्की टिकी तवी ओके दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर इन दिस स्टोरी इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ ए मंगूस ओके जिसको आप नेवला बोलते हो इस चैप्टर में हम एक नेवला के बारे में पढ़ेंगे एंड ए ब्रिटिश फैमिली लिविंग नाउ इन इंडिया एक ब्रिटिश फैमिली जो कि इंडिया में रह रही थी उसके बारे में पढ़ेंगे एंड ए नाग एंड ए नागिन और इसके बारे में पढ़ेंगे नाग और नागिन एंड द टेलर बर्ड ठीक है एक जो टेलर बर्ड है उसके बारे में इन सभी कैरेक्टर्स को हम इसमें रीड आउट करेंगे वट इज द स्टोरी वी विल फाउंड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी इन दिस चैप्टर सो लेट वी स्टार्ट द चैप्टर हेयर इज दम tikki, टिकी रिक्की टिक्की तवी इज ए फैसिनेटिंग मंगूस दैट टॉक्स एंड थिंकिंग लाइक्स ए ह्यूमन चाइल्ड देखिए यहाँ पर रिक्की टिक्की तवी जो वर्ड्स uh, आए हैं ये एक नेवले का नाम है नेम ऑफ ए मंगूस तो रिक्की टिक्की तवी जो था फैसिनेटिंग मीन होता है चार्मिंग किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला ठीक है नेवला था जो कि एक इंसानी बच्चे के तरीके से सोचता था द मैंगज इज नन टू बी ए फियर्स हंटर मंगूस यानी कि नेवले को हम एक शिकारी के नाम से भी जानते हैं कि ये एक खतरनाक शिकारी भी है क्योंकि ये सांप को खा जाता है नाउ वर्क इन ग्रुप एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन अब क्या करना है आपको ठीक है नेवले के बारे में पढ़िए अब आपको अपने आप से वर्क करना है क्या वर्क करना है आपको हियर सम क्वेश्चन डज ए मैंगूवज़ मेक ए गुड पैट क्या अगर हम किसी नेवले को पालें तो वो एक अच्छा पैट एनिमल हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट आर द डिसडवाटेज ऑफ हैविंग ए मैंग्यूज़ एज ए पैट अगर हम किसी नेवले को आ, पैट बनाते हैं पालतू जानवर उसको बनाते हैं तो क्या ऐसा करना अच्छा है हमारे लिए नेक्स्ट वन इज़ कीपिंग ए मैंग्यूज़ एज ए पार्ट इज बैंड इन इंडिया सॉरी एज ए पैट इज़ बैंड इन इंडिया इंडिया में नेवले को पालना बैन है डू यू एग्री विद दिस डिस्कस आप इस स्टेट लाइन से या इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? अगर एग्री हैं तो फिर आप डिस्कस करिए अपना व्यूज़ दीजिए डू यू नो ऑफ पीपल हु कीप वाइल्ड एनिमल्स एज पेट्स क्या आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि जंगली जानवरों को पेट के रूप में रखता है पालतू बना के रखता है शुड दे बी डूइंग दिस डिस्कस दे बी डूइंग दिस क्या वो भी ऐसा कर रहे हैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर अपने व्यूज में देने अपने तरीके से देने ठीक है आप क्या सोचते हैं मंग्यूज के बारे में कि वो एक अच्छा पैट हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या वो डेंजरस हो सकता है तो इसमें आपको अपने आंसर्स देने हैं नाउ लेट मी स्टार्ट द स्टोरी दिस एक्सट्रिंग्स फ्रॉम द जंगल बुक बाय रुडियार्ड किपलिंग इन द स्टोरी ऑफ द ब्रेव रिक्की टिक्की तवी हु फॉर द कोबरा नाग सिंगल हैंड देखिए ये जो स्टोरी है आपकी ये आपके रुडियार्ड किपलिंग द्वारा जो लिखी हुई बुक है द जंगल बुक उसमें से ये पार्ट लिया गया है इसमें एक बहादुर नेवली की स्टोरी है जिसका नाम था रिक्की टिक्की तवी जो बिना किसी हथियार के ठीक है सिंगल हैंडेड वो एक नाग से कोबरा जिसको बोलते हो आप उससे फाइट करता है इट वॉज uh, एक युद्ध था ठीक है इस तरीके से उन दोनों में लड़ाई हुई थी कैसा लग रहा था कि कोई भयंकर युद्ध चल रहा है और रीजन क्या था नेवले का और नाग का जो वॉर हुआ था जो लड़ाई हुई थी उसका रीजन क्या था उसका रीजन था एक टेलर बर्ड एक चिड़िया का नाम होता है जो बहुत ही सुंदर घोसला बनाती है ठीक है तो रीजन था एक टेलर बर्ड जिसके लिए आप देखिए टेलर बर्ड के फेवर में कौन था और उसके अगेंस्ट कौन सा ये भी हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे ए ब्रिटिश फैमिली लिविंग इन इंडिया इस स्टोरी में एक ब्रिटिश फैमिली जो कि अभी इंडिया में ही रह रही थी फाउंड रिक्की टिक्की इन दियर हाफ कल्टिवेट गार्डन उन्हें रिक्की टिक्की कहाँ मिलता है उनका जो गार्डन था अब गार्डन किस तरीके का था हाफ कल्टिवेटेड यानी कि वो बगीचा ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं था मेंटेन नहीं था जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं हमारे पास ज़्यादा काम होता है ना तो हम चीज़ों को अस्त व्यस्त फेंक देते हैं ठीक है सेट नहीं करते हैं चीज़ों को तो ऐसे ही जो उनका गार्डन था जो बगीचा था वो भी सेट नहीं था मतलब कि फ्लावर्स की कटिंग नहीं थी ट्रीज़ की कटिंग नहीं थी है ना और झाड़ियाँ भी उगी हुई थी तो इस तरीके से वेल well मेंटेन नहीं था उनका गार्डन तो वहां पर रिकी टिकी इनको मिलता है वेन दे फर्स्ट सा हिम जब उन्होंने पहली बार उसको उस बगीचे में देखा ही वॉज ऑलमोस्ट डेड आफ्टर एट टेरिबल फ्लड है गार्डन जिस कंडीशन में उन्होंने उसको देखा था ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल मरने ही वाला है द फैमिली टुक गुड केयर ऑफ हिम वो फैमिली उसको उठाकर घर लाती हैं और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है एंड ही वॉज सून ट्राइंग टू बी फ्रेंड विद द लिटिल बॉय इन द फैमिली और जल्द ही वो जो मंगूज होता है रिकी टिकी होता है वो उस फैमिली में जो छोटा बच्चा होता है उसके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए आ, सोचता है आगे बढ़ता है द मंगूस जम्प्ड ऑन द स्मॉल बॉयज सोल्जर अब देखिए स्टोरी स्टार्ट हो रही है जो मंगूज होता है जो नेवला होता है वो जो छोटा बच्चा होता है ठीक है उसके कंधे पर जम्प करता है द बॉय कॉल्ड हिम रिक्की टिक्की तवी वो लड़का ही उस आ, मंगूज को रिक्की टिक्की तवी का नाम देता है टैडी द बॉय हैड बीन लोनली इन दिस हाउस उस बच्चे का क्या नाम होता है टैडी ओके ही नाउ फेल्ट बेटर इससे पहले क्या था वो बच्चा घर में अकेला रहता था अब वो एक कंपेनियन uh, मिल गया था उसको तो अब वो बेटर फील कर रहा था आउच ही टिकलिंग अंडर माई चिन ओहो टिकलिंग मीन होता है ऐसे ऐसे गुदगुदी करना ठीक है तो ये मेरी चिन पर टिकलिंग कर रहा है मुझे गुदगुदी कर रहा है डोंट बी फ्राइटेन टेडी दैट्स हिज वेफ ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स अब उसके फादर बोलते हैं एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर डोंट बी फ्राइटेंट डर ओम बटर डैडी इससे डरने की जरूरत नहीं है दैट हीज वे फॉर ऑफ मेकिंग फ्रेंड ये तो इसका दोस्ती करने का या दोस्त बनाने का तरीका है द मंगूज स्पेंट ऑल द डे रोमिंग ओवर द हाउस जो मंगूस था जो नेवला था पूरा दिन अपना स्पेंड कैसे करता था वो घर के चारों तरफ घूमता रहता था एट नाइट फॉल ही वेंट टू टैडीज रूम एंड क्लाइं अप ऑन हिज बेड फिर क्या होता है जब रात आती है नाइट फॉल ठीक है जब रात आती है तो वो टैडी के रूम में और टैडी के बिस्तर पर चढ़ता है उतरता है ऐसे मस्ती करता रहता है रिक्की टिक्की तभी वॉच क्यूरियस क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक ठीक है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए एफर्ट करना ही वॉज अ रेस्टलेस कंपेनियन वो एक ऐसा साथी था जो आराम ही नहीं करना चाहता था ही हैड टू गेट अप एंड अटेंड टू एवरी noise ऑल थ्रू द नाइट एंड फाइंड आउट what made इट पूरी रात वो जागता रहता था बाहर से जो शोर आता था उसको सुनता था क्या सुनता था कि ये सोर कहाँ से आ रहा है और इसे कौन कर रहा है टेडीज मदर एंड फादर केम इन टू लुक एट दियर बॉय एंड रिकी टिक्की वॉज अवेक ऑन द पिलो टेडी यानी कि उस बच्चे के पेरेंट्स आते हैं मम्मी पापा आते हैं कि देखते हैं कि मेरा बेटा सो गया या नहीं सो गया किस कंडीशन में है रिक्की टिक्की जगा हुआ उसकी पिलो के ऊपर बैठा मिलता है उनको यानी कि वो जाग रहा होता है और टैडी सो रहा होता है I don't like that he may bite the child. उसकी माँ बोलती हैं कि मुझे ये जानवर ऐसे पसंद नहीं है कि मेरे बच्चे के बेड पर रहें हो सकता है कि वो उसको काट भी लें do not uh, do no such thing. वो ऐसा कुछ नहीं करेगा Teddy is safe with the little animal than if the if he had a blood hound to watch him. उसके पापा बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोचती हो ये मंगूस ये जो रिकी टिकी है ये इसके लिए उतना ही सेब है जैसे कि एक ब्लड हाउंड होता है ब्लड हाउंड मीन्स होता है एक खोजी डॉग ठीक है आपने भी देखा होगा ना कि कुछ डॉग्स होते हैं जो किसी भी चीज़ का पता लगा लेते हैं वैसे मोस्टली जो डॉग्स होते हैं वो स्निफिंग करके यानी कि किसी चीज़ को सूंग कर आ, पता लगा लेते हैं तो जो खोजी कुत्ते होते हैं ब्लड हाउंड मीन्स होता है खोजी कुत्ते तो जो खोजी कुत्ते होते हैं ये उतना ही सेफ है जैसे कि हम किसी आ, खोजी कुत्ते के पास के पास अगर इसको छोड़ दें टैडी को तो मंगोज भी अभी उतना ही से, आ, सेफ रखेगा इसको जैसे कि एक ब्लड हाउंड रखेगा वोला वी और गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट रिकी और वो टैडी दोनों लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं आई विल हैव अ बनाना एंड अ फ्यू बॉइल्ड एग्स मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए कुछ केले हैं और बॉइल्ड एग हैं उबले हुए अंडे हैं। वेंट आउट सॉरी सॉरी रिकी टिक्की तभी वॉज इन द गार्डन एंड ही हर्ड सम वॉइस इसके बाद क्या होता है वो लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं देन आफ्टर रिकी टिकी केम इन टू द गार्डन गार्डन में आके वो कुछ साउंड सुनता है वाई डू आई हियर सच एंड सच सैड वॉइस ये रोने जैसी आवाज़ कहाँ से आ रही है मुझे ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है कि कोई यहाँ पर रो रहा है देन रिकी टिकी वेंट आउट इन टू द गार्डन टू सी वॉट वॉज टू बी सी आप इसके बाद में रिकी टिकी गार्डन में जाता है और देखता है क्या देखता है इट वॉज अ लार्ज गार्डन ये तो गार्डन बहुत बड़ा था विथ बिग बुसेस रोजेस लाइम एंड ऑरेंज ट्रीज कलम्ब्स ऑफ बैम्बू एंड थिकेट्स ऑफ हाई ग्रास गार्डन में जाता है गार्डन में क्या क्या है देखिए विग बुशिस बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं रोज़ फ्लावर हैं ठीक है और लाइम और ऑरेंज नींबू और ऑरेंज और के पेड़ भी लगे हुए हैं क्लम्प्स ऑफ बैम्बूज जो बैम्बूज होते हैं ठीक है उनका जो पेड़ होता है उसको हम क्लम्प बोलते हैं क्योंकि बैम्बू कभी सिंगल नहीं होता है ठीक है जैसे आपका मैंगो ट्री है आपका जैसे नीम ट्री है बनियॉन है तो ये सब सिंगल होते हैं लेकिन आपने कभी भी देखा होगा जो आपका मोस्टली बनाना ट्रीज भी ऐसे होते हैं कि जहाँ पर एक निकलता है वहाँ बहुत सारे निकलने लग जाते हैं और तो बैम्बू में तो ये खासियत होती है कि अगर एक प्लांट आपने किया हुआ है तो उसके साथ में छोटे 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 बहुत सारे पेड़ बन जाते हैं और उसका जो झुरमुट बन के तैयार होता है उसको हम बोलते हैं बैम्बू क्लंट बांसों का झुंड एंड ऑफ हाई ग्रास और उस गार्डन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी और गहरी घास थी बहुत ज्यादा घास थी रिकेट के लिक्ड हिज लिप्स अब क्या करता है वो अपनी जीप बाहर निकालता है और अपने होंठ को चाटने लग जाता है दिस इज अ परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड ये शिकार करने के लिए एक परफेक्ट ग्राउंड है इट वॉज दर्जी द टेलर बर्ड एंड हिज वाइफ देखिए अब वो किसको देखता है दर्जी टेलर बर्ड टेलर बर्ड जो कि एक चिड़िया का नाम है एंड हिज वाइफ और उसकी वाइफ को दे हैड मेड ब्यूटीफुल नेस्ट बाई पुलिंग टू बिग्स लीव्स टूगेदर एंड स्टिचिंग दैम अप एंड हाल सॉरी हैड फिल्ड द होलो विद द कॉटन एंड फीदर फ्लप देखिए अब वो किसको देखता है वो देखता है टेलर बर्ड और उसकी वाइफ को जो कि एक बहुत ही सुंदर घोंसला बना रहे होते हैं घोसला किससे बना रहे होते हैं वो बाहर से लाई हुई जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ों की उससे द नेस्ट स्वेट टू एंड फ्रो एज दे सैट ऑन हिज ऑन द रिम एंड क्राइड अब देखिए जो उनका नेस्ट होता है वो मोस्टली आपने देखा होगा जो आ, नेस्ट होते हैं घोंसले होते हैं ये पेड़ की पतली जो ब्रांचेस होती हैं टहनियाँ होती हैं उसमें ये पक्षी बनाते हैं क्यों बनाते हैं इसका भी रीज़न होता है कि जब ये अपने घोंसले में बैठते हैं और कभी हल्की हवा चलती है या नहीं भी चलती है तो इनके जो झूले होते हैं वो हवा के हल्के से झोंके से या इनके ही टच करने से वो हिलने लग जाते हैं ठीक है तो इसमें इनको जॉयफुल फीलिंग आती है ठीक है वो अपने घोंसले के किनारे बैठते हैं और उनको वो स्विमिंग की तरह लगता है झूलना जो होता है ना उसकी तरीके से लगता है आ, फिर क्या होता है कि वो जो उसका घोंसला था वो इधर उधर हिल रहा था वो घोंसले में किनारे बैठे हुए थे एंड क्राइड और बेचारे क्या कर रहे थे रो रहे थे वट इज द मैटर अरे क्या बात है वी आर वेरी माइजरेबल हम बहुत दुखी हैं वन ऑफ आवर बेबीज फेल आउट ऑफ द नेस्ट यस्टरडे एंड नाग एट हिम कल हमारा हमारे घोंसले से एक बच्चा नीचे गिर गया और नाग आया और उसने उस बच्चे को खा लिया इसलिए दुख की वजह से वो रो रहे थे एंड देन फ्रॉम द थिक ग्रास एट द फुट ऑफ द बुस के ए लो हिस्स उसके बाद क्या होता है कि वो खड़ा होता है घास में से उसके पास हिस करने की आवाज़ आती है ए हॉरीबल कोल्ड साउंड जो कि बहुत डरावना सा एक साउंड होता है दैट मेक रिकी टिक्की जंप बैक टू क्लियर फिट उसको सुनकर उस आवाज़ को सुनकर रिकी टिक्की जम्प करता है उछल जाता है पीछे की तरफ योर्स टाइम अप मेट ओ मेरे प्यारे फ्रेंड तुम्हारा टाइम पूरा हुआ नाग सैड दिस वर्ड नाग कहता है इन शब्दों को और रिकी टिकी से कि तुम्हारा टाइम पूरा हुआ क्योंकि आप अच्छे से जानते होंगे बेटा कि जो नाग है यानि कि जो सांप होते हैं और जो मंगूस होते हैं नेवला होते हैं ये एक दूसरे के इनेमी होते हैं दुश्मन होते हैं दोनों ये ठीक है कहीं भी दिखेगा ना तो इनकी आ, लड़ाई जरूर होने लग जाती है लास्ट में मोस्टली जो होता है ना वो नेवला ही जीतता है हम दैट इज़ वेरी सैड बट आई एम ए स्ट्रेंजर हियर हु इज़ नाक देखिए इसके बाद में हम दैट इज़ वेरी सैड जब टेलर बर्ड की बात वो सुनता है रिकी टिकी तो वो कहता है कि ये तो बड़े दुख की बात है भाई आई एम ए स्ट्रेंजर मैं यहाँ पर अभी बिल्कुल नया हूँ हु इज नाग ये नाग कौन है दर्जी एंड हिज वाइफ डिड नॉट आंसर दर्जी और उसकी वाइफ चुपचाप बैठे रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं दर्जी एंड हिज वाइफ सॉरी रिकी टिकी रिकी टिकी है लाइफ कोबरा बिफोर इससे पहले रिकी टिकी ने कभी भी uh, रियली में एक नाग कोबरा को नहीं देखा था बट ही न्यू दैट इट वॉज़ अ ग्रॉन मैंगूज़ बिजनेस टू फाइट दैट ईट फाइट एंड ईट स्नैक्स लेकिन वो अपना काम अच्छे से जानता था जो नेवले होते हैं वो सांपों के साथ में लड़ाई करते हैं और बाद में उनको खा जाते हैं नाग न्यू दैट टू नाग भी ये बात जानता था ठीक है जैसे कि वो मंगूस जानता था कि ऐसा होता है कि दोनों में फ़ाइट होती है और बाद में जो नेवला होता है अगर वो जीत गया ना तो वो सांप को खा जाएगा तो नाग भी ये बात जानता था एट द बॉटम ऑफ हिस कोल्ड हर्ट ही वॉज अ फ्रिड इसलिए जो नाग था वो अंदर तक बहुत डरा हुआ था हु इज नाग आई एम नाग लू कैन बी आ फ्रिड अभी तुम पूछ रहे थे ना कि नाग कौन है तो मैं बताता हूँ कि मैं नाग हूँ और तुम मुझसे डरोट अस टॉक चलो हम कुछ बात करते हैं यू ईट एक्स तुमने अंडे खा लिए वाई सुड आई नॉट ईट बर्ड्स वाई सुड आई नॉट ईट बर्ड्स मैं क्यों ना चिड़ियों को खा लूँ वेल डू यू थिंक इट इज़ राइट फॉर यू अच्छा तो तुम ये सोचते हो कि देखिए अभी दोनों बात कर रहे हैं ठीक है तो तुम ये सोचते हो कि ऐसा करना अच्छा है टू ईट फ्लड फ्लडिंग आउट सॉरी आउट ऑफ ए नेस्ट टू ईट फ्लैडिंग आउट ऑफ ए नेस्ट तुम सोचते हो कि अगर कोई चिड़िया का बच्चा घोसले से बाहर गिर गया तो उसको खा लो रिकी टिकी न्यू बेटर देन टू वेस्ट टाइम इन स्टारलिंग। रिकी टिकी अच्छे से जानता था कि मैं जैसे इसको घूर रहा हूं ना ऐसे तो बस टाइम वेस्ट करना है ठीक है ही जम्प्ट अप इन द एयर वो हवा में ऊपर जंप लगाता है उछलता है एज हाई एज ही कुड गो इतना ऊपर जाता है जितना कि वो जा सकता था मीन वाइल नागिना हैडक्रैप्ट अप बिहाइंड हिम एज ही वॉज चॉकिंग जब वो बात कर रहा था और हवा में उछला उसी समय जो नाग की वाइफ थी वो वहाँ से रेंगती हुई आई टू मेक एन एंड ऑफ हिम अगर वो अवेयर नहीं होता तो हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाती हुज मंगूस नेवले की एंड ही हियर हर हिज एज द स्ट्रोक मिस्ट पर क्या हुआ इससे पहले नेवले ने उसकी फुसकारने की आवाज़ सुन ली और जो नागी ने स्ट्रोक किया था प्रहार किया था उससे वो बच गया बिहाइंड यू लुक बिहाइंड यू देखिए क्या होता है कि जो वो टेलर बर्ड होती है वो चिड़िया होती है वो अवेयर कर देती है मंगूस को कि अपने पीछे देखो अपने पीछे देखो क्योंकि वो डाल पर ऊपर बैठे हुए होते हैं तो उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा होता है तो वो अवेयर कर देते हैं उस नेवले को सो यू आर नाग्स वाइफ आर नॉट यू हार्ड लक टू यू टू ओहो, तो तुम इस नाग की वाइफ हो आर नॉट यू या तुम नहीं हो हो सकता है कि तुम इस नाग की वाइफ हो या नाभी हो हार्ड लक टू यू टू तुम्हारा भी बड़ा बुरा भाग्य है ही केम डाउन ऑलमोस्ट अक्रॉस अक्रॉस हर बैक ही केम डाउन ऑलमोस्ट अक्रॉस हर बैक वो लगभग अ अक्रॉस हर बैक जो पिछला पोर्शन था उसका उसको क्रॉस करने लगता है ही वॉज ऑफरेड ऑफ द टेरिबल लग स्ट्राइक ऑफ द कोबरा ही वॉज ऑफरेड ऑफ द टेरिबल लैसिंग स्ट्राइक ऑफ द कोबरा अभी उसको थोड़ा सा जो कोबरा था वो जो नाग था उससे डर लग रहा था क्योंकि अब वो दो हो चुके थे ठीक है और जो वो कोबरा था वो अपनी पूछ को ऐसे ऐसे हिला रहा था ही बाइट हर बट डिड नाट बाइट लॉन्ग इनफ वो उसको खा सकता था बट डिड नॉट बाइट लॉन्ग इनफ लेकिन अभी उसको बाइट मीन्स होता है काटना ठीक है लेकिन अभी वो उसको काट नहीं सकता ही जम्प क्लियर ऑफ द टेल वो अपनी पूछ के बल पर लंबा ऊंचा उछलता है लीविंग नगीना टर्न एंड एग्री क्या होता है कि नागिन उसको खाने वाली होती है ठीक है काटने वाली होती है लीविंग नागि नगीना टन एंड एंग्री क्या होता है कि जैसे ही उस आ, का स्ट्रोक नागिन का जो प्रहार होता है वो मिस हो जाता है तो वो गुस्से में आ जाती है ठीक है तो नागिन क्या होती है कि गुस्से में आ जाती है नाग लैस्ट आप एज हाई एज ही कु नाग इतना ऊपर तक उठता चला जाता है जितना कि वो उठ सकता था किस चीज के लिए कि वो जो टेलर बर्ड थे उसके घोंसले तक मैं पहुंच जाऊं। बट दर्जी हैड बिल्ड इट आउट ऑफ रीच ऑफ स्नैक एंड इट ओनली स्वेड टू एंड फ्रो लेकिन वो जो टेलर बर्ड था वो चिड़िया थी वो भी बहुत समझदार थी इसलिए उसने भी घोंसला इतना ऊंचाई पर बना रखा था कि वहाँ तक नाग ना पहुंचे एंड इट ओनली स्वैड टू एंड फ्रो बस ये क्या झूला वो सॉरी नेस्ट उसने जो था इस तरीके से बना रखा था कि वो इधर से उधर झूल रहा था बस वीकेट वीकेट दर्जी फिर क्या होता है कि आ, जो नाग होता है वो उसके घोसले तक नहीं पहुंच पाता है ठीक है तो वो गुस्से में चिल्लाता है दुष्ट दर्जी दुष्ट दर्जी बटा ही आर द पॉइंट नेक्स्ट रिमेनिंग स्टोरी वी विल डिस्कस इन दिस सॉरी इन another part thank you everyone